ला भाई सारे भैया ने राम राम भाई सबसे पहले तो, और भाई जयकारा लाया रो खींच के बोल शंकर भगवान की जय जय भाई। तो फिलहाल आज तारीख है भाई, क्या तारीख होगी रे? पांच जुलाई होगी भाई आज। और फिलहाल आप बैठे हैं हरकी पैड़ी, आप सुबह का टाइम है भाई, 7:30-8 बजे का टाइम हो रहा है। तो इस भोले ने जानते हो गए भाई सारे भाई सबसे पहले तो, जो 16 जून ने ठाई थी ना अपने भोले भाई, 16 जून ने हरिद्वार से नालागढ़ हिमाचल प्रदेश के लिए पिंजौर वाले भाई ने, चंडीगढ़ पिंजौर वाले भाई ने कावड़ उठाई थी भाई, 131 लीटर जल जो भोले ने उठाया था, हुसन गुजर हुसन चौधरी भोले का नाम है। 16 जून ने भोले ने कावड़ उठाई थी और 15 से 18 दिन की मेहनत के बाद, 18 दिन लगातार चलने के बाद भोला पहुंच गया था हरिद्वार से 150 किलोमीटर के लगभग बिलासपुर पहुंच गया था भोला भाई। तो बिलासपुर जब कावड़ रात ने ये चला रहे थे तो भाई 2 बजे के आसपास, रात में 1:30-2 बजे के आसपास ये रोड पर जैसे कावड़ चल रही थी, तो किसी गाड़ी वाले ने दारू के नशे में, है ना ऐसी बात है, दारू के नशे में भाई कावड़ का टक्कर मारी सीधी गाड़ी। हाँ जी, सीधी टक्कर मारी तो रोड पर चल रहे थे अगले बंदे ने नशे में कावड़ कैसी थी टक्कर मारी भाई, और जो कावड़ थी जो भोले की 131 लीटर की कावड़ थी वो नीचे गिर गई थी, क्योंकि गाड़ी की टक्कर लगी कावड़ गिर गई नीचे। तो उसी टाइम भोले का फोन आया था कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, हमारी बात हुई थी और जो बंदा था भाई सबसे पहले तो उसके खिलाफ जो कार्रवाई हुई है वो हुसन भाई बताओगे क्या हुआ हुसन भाई उसके साथ, जो बंदा था वो सबसे पहले तो वो पंडित था। हाँ, वो पंडित था और बुजुर्ग आदमी था, मतलब 50 प्लस था। तो भाई जो वो आदमी था वो 50 प्लस था, तो उस टाइम पर उसने टक्कर मार दी, वो नशे में था रात ने, पुलिस प्रशासन भी इकट्ठा हुआ और भी, मतलब टक्कर मार के दौड़ गया था वो। हाँ, वो वहाँ से भाग गया था उस टाइम, तो टक्कर मार के वो भाग गया था भाई, पर बोला ना भाई उसका पीछा भी किया और उसके घर तक पहुंचे और फिर उसने शामी लेकर भी आए, है ना ये बात, घर पे जाके पकड़ के लेके आया। हाँ, घर पर जाके पकड़ के लेके आए भाई, क्यों उस टाइम पर वो नशे में था थोड़ा बहुत, उल्टा सीधा भी बोल है, बहसबाजी भी हुई है। उसने पहले डंडा उठाया हमारे ऊपर, डंडा उठाया, डंडा भी मारा है इस भोले का, लग रहा है डंडा इस भोले का डंडा भी मार रखा भाई उसने, नशे में था, घर से उठा के ले गया उसको। फिर ये घर से उठाकर जहाँ खंडी तुझ कार्ड वहाँ लेकर आई पुलिस आगे बाहर घर से थाने में। हाँ जी, गेट से बाहर कट के ले आए। हाँ, घर से गेट के बाहर लिया, रोड पे लिया है। फिर पुलिस वगैरह वहीं आ गई थी, पुलिस वहीं आ गई थी भाई। तो जो भोले ने शुरू में तो वो अकड़ के बोलिया ना, फिर उसने गाली दे रहा था, पर बाद में जब उसका नशा ढीला आया तो उसका क्या रिएक्शन था? माफी मांग रहा था, गरीब बच्चा, गरीब आदमी, मैं गलती हो गई, मैंने बताया भी खराब बात, अब हमारे माँ बाप भी एक ही था वो। बस सर की बात है कि ब्राह्मण हो गए बंदा, दारू पी रहा है और ऊपर तय अकड़ भी रहा था, अकड़ भी रहा है, गाली दे रहा है, फिर कह रहा है बैरूपी हो तुम, नशेड़ी हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूँ सारे भाइयों को कि चलो जो हमारे साथ हुआ हमारी किस्मत थी भाई, बिल्कुल जी, भोले बाबा की मर्जी थी। चलो ये था कि हमारी कावड़ गिरी जल पहले वहाँ भी बच गया था, लेकिन हमारे को बहम था, हम गुरुजी का हमारे फोन भी आया था कि भाई अब आप भाई से जल उठाओ, अपने कोई चक्कर नहीं है, गंगा जल छिटा देंगे, वहाँ खुशी हो जाएगी आपकी, दोबारा जल उठा सकते हो अगर आपका जल नहीं गिरा तो मेरे को बहम भी था, इस बंदे को नसीहत भी देनी थी। तो मैंने इसको बोला कि भाई हम तो हरिद्वार फिर जाएंगे, हरिद्वार जाएंगे दोबारा कल से नहीं लेंगे, यही भाई देख कल से चलाएगा, गाड़ी भेजेगा वहाँ से, गाड़ी से हम वहीं से जो खर्चा हमारा होगा ये भाई देगा, वहीं से हम कावड़ द्वारा फिर से यात्रा शुरू करेंगे। तो भाई मैं बताऊंगा मेन बात क्या हुई, इन भैया ने भाई कावड़ थी ना जो वो नीचे गिर गई थी, पर जैसे ये कलश है, एक बार ये कलश दिखा खड़े, अरे इस पर ध्यान दे ले तू, ये कलश दिखा, तो ये कलश है भाई, या कावड़ नीचे गिर गई, लेकिन जो ये एम सील वगैरह लगा के जो सील करी जावे कावड़ पूरी पैक करी जावे है, ये टोकने बांधे जावे रसिया में, ये खुले नहीं थे ना, तो इनका जल टोकने तब बाहर आया था और ना इनके टोकने अलग अलग हुए थे, है ना, सही बस टेडी होगी थी कावड़, लेकिन इनका जो दिमाग था भाई, इनके मन ने, इनके दिल ने जो गवाही दी, इन्होंने सोची कि हम दोबारा हरिद्वार की पैड़ी पर जाओगे, नए टोकने ले होंगे, क्योंकि वे टोकने मुछ गए थे, मुड़ गए थे वे, है ना, टेढ़े हो गए थे, तो दोबारा नए टोकने लिए इनने और दोबारा तक कावड़ तैयार करिए, या इनका यो ये मोटी था, पर
एक सारे भाइया खतर जो कावड़ उठा रहे हैं और जो और भी नए लेना होंगे उन खतर बोला एक बात कहना चाहो कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो भाई मेन बात क्यों है करें, जो आप टोकने में कावड़ भर रहे हो, जो जल भर रहे हो, उसमें अगर वो जल बाहर निकल गया, टोकने से बाहर निकल के छलक गया, जमीन पर गिर गया, या फिर जो आप कावड़ तैयार कर रहे हो वह पूरी खुल गई अलग अलग होगी, या फिर किसी ने पैर लगा दिया, या कोई मांस मिट्टी वगैरह कुछ ऐसा टच हो गया कावड़ के, या कुछ भी ऐसी चीज है जो गलत होगी, तो उस टाइप की जो चीज है ना उसने हम कावड़ खंडित मानने जाएंगे। बोला कि जो कावड़ थी वह खंडित नहीं हुई थी, बस टेढ़ी होगी थी, टक्कर लगी गाड़ी की और वह टेढ़ी होगी। बोला ना कावड़ संभाल भी ली थी, पर ना तो टोकने में जल बाहर छल क्या था और भाई ना ही टोकने खुल के एक साइड में हुई थी, पर फिर भी न दोबारा हरिद्वार आके दोबारा अपनी कावड़ तैयार करी, दोबारा गंगा जल भरिया है। और हम सारे भैया तेन कहना चाहूँ अगर ऐसा किसी के साथ होता है ना आपके और टोकने में जल वगैरह नहीं गिरता तो भाई उन्हें खंडित ना मानियो, वो कावड़ आप वहीं से अपना छिट्टा दे भोले ने याद करो और अपनी कावड़ वहीं से स्टार्ट जा रहे हो। आप कोई आपके मंदिर जा रहे हो वहाँ पे गुरु जी है उसे बातचीत करो, जैसे वो आपको कहेंगे उनके कहने से चलना है। बिल्कुल जी, कि जो गुरु है जो गुरु ने बोल दिया वही होगा। अब मैं स्पेशल वैसे आया था कि मैं दोबारा कावड़ उठा के यहाँ से लेके जाऊंगा, तो गुरु जी ने मना कर दिया कि नहीं, जहाँ से हमारी मेहनत तो जहाँ से भी हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, जहाँ से आपकी कावड़ गिरी है वहीं से उठाओ। बिल्कुल ही, कावड़ तो तैयार कर ली भाई, लेकिन जो मेन बात है ना कि 18 दिन की इनकी मेहनत है, 150 किलोमीटर इन्हें निकालिया भी है, अब दोबारा से वो जो चीज करनी है उसका ना तो कोई टाइम बचता और ना इसका कोई दायित्व है, क्योंकि इनके जो कंधे पर कावड़ रख गई ना इन्होंने अपनी 18 दिन की मेहनत करी है, तो इन आज आड़े तक कावड़ तैयार करी है या ईवीएम इसने लेकर जाओगे, और जहाँ पर इनकी कावड़ खंडित हुई थी, जहाँ पर इनके साथ वो दिक्कत हुई थी, वहाँ से दोबारा अपनी कावड़ यात्रा स्टार्ट करेंगे। ऐसा ही है ना भाई, भाई भी है और भाई ये भाई हैं, ये बैठे एक यो भाई है, एक यो भाई रहे हैं, ये बिलासपुर थे जहाँ भैया की कावड़ के साथ दिक्कत हुई थी, उड़े ताए हैं, रात ना आए, पूरी कावड़ तैयार करवाई है, गाड़ी लेकर रहे हैं, मतलब पूरा सहयोग कर रहे हैं भाई। तो इन भाइया खातर जिसे भाइया खातर भी भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इतनी हेल्प करी बोले कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद है, ऐसे भाइया ने भाई बोला बाबा कुछ रकम तो यही दुआ करेंगे। एक बात और कहना चाहता हूँ भाई साहब, कि जब भी हम कावड़ उठाते हैं, पिछली बार जब कावड़ उठाई दूसरे दिन हम आगे गए तो दो लड़के आते हैं हमारे पास कि बोले आपका है खाने को माल चाहिए, मैं क्या भेज है हमारी कावड़ी है, हमारी क्या इमेज है, कुछ लोग जो नशेड़ी है अपने के लिए। मुझे भी बहुत मेरे फ्रेंड का सर्कल का भाई साहब आप नशे करते हो, मैंने क्यों बोल रहे भाई आप इतना, जो कावड़ी होते सारे नशे करते हैं यार, तुम नशे करते हो मतलब सारे हमें गलत निकाल सोचते हैं, कि मैं कहना चाहता हूँ कि अब कावड़ी यात्रा से स्टार्ट हो जाएगा, जितने भी अपने शिविर भाई शिविर लगाते हैं, जो भी भाई सेवा करते हैं वो अपने तन मन से सेवा करते हैं, स्पेशल अपने शिविर के बाहर एक बोर्ड लगाओ कि यहाँ पे नशा पत्ती कोई भी जो बीड़ी सिगरेट पीना बना है हाथ जोड़ के बेनती है, कोई नहीं है, जरूरी नहीं है कोई कहता कि बोला रहा बंद पिता, किसी ने देखा बोले रहा तो जहर भी पी थी, कब माने आप जहर भी पियो, जहर भी पियो भाई, फिर सही बात है। स्पेशल बोर्ड लगाओ हर शिविर के और वीडियो आगे से आगे शेयर करो भाई, बिल्कुल कि सब जितने भाइयों के पास पहुंच रही है शेयर करो कि मैं नशे पे बंद करो, बंद होना चाहिए। हमारा मेन महत्व है कि हमें इतनी बड़ी कावड़ लेके जाते हैं, बोलना एक लोटे में भी खुश है जी, जो भाई सबसे ज्यादा छोटी कावड़े उठते हैं लोटे में लेके जाते हैं, जरूरी नहीं है कि हमें भोलेनाथ हमारे से खुश होंगे ना, हमारा मेन मोटिव यही है कि हम इतनी लोग मोटिव होते देख के नशे दूर रहते हैं, मेन मोटिव हमारा यही है भाई। मेन बात यह है बोले हो कुछ पांचों उंगली देखो बराबर नहीं होती हैं, कुछ भोले हैं कुछ कावड़ी ऐसे हैं जो कावड़ यात्रा पाते हैं और वे दूसरा ने भी बदनाम करवाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल वे नशे करते हैं, यह बात सच्चाई है, वे नशे ही करने आते हैं, बोलता है कि भाई साहब आपको सामान दे दो, बिल्कुल उसने बिल्कुल जी बिल्कुल, क्योंकि यो भोला कावड़ उठा रहा है और दो बंदे आके इस तरह कहोगे अगर भोले माल दे दे, माल मतलब भाई नशे पते का जो सामान होता है फील होता है, पूछो मत तो क्या क्या इमेज है हमारी, कुछ भी नहीं है, इसी इमेज बना रखी तो यार ज्यादा तो भाई उन कावड़िया खतरा जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई कावड़ ले रहा हो ना भाई नशे पते ना अपने घर छोड़ के आ जाओ,
अगर थारे पर नशे पते बनिया नहीं रुका जाता तो मैं ताओ भाई कोई फायदा नहीं इस चीज का। तो मैं जो भाई है ईमानदारी तारे सच्ची श्रद्धा रहे हैं, इनकी भी मतलब छवि खराब कर रहे हो, इनने भी बदनाम करवा रहे हो। तो भाई जो कावड़िया हो हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे भाई, सारे भाई बिना नशे पते सच्ची मन श्रद्धा है सच्ची भावना था अपनी कावड़ लेना आओ और भाई बिना नशे पते आओ। तो भाई फिलहाल और उसन भाई कुछ बोलना हो तो कुछ नहीं, कुछ भी आगे जाके वीडियो शेयर करनी है कि जितने भाई सिवर लगाते हैं सबके पास पहुंचे, सब बोर्ड लगाएं। बिल्कुल जी, कोई भी बीड़ी सिगरेट करे उसको मना करते भाई साहब हाथ जोड़ दो, नशे पत्ते वाले में कोई जरूरी नहीं है कि हाँ अभी बोले ना तो इनके पास हाथ आएगा। बिल्कुल भाई, हाथ ही जोड़ दो, कोई बात नहीं भाई, करना है बाहर जाओ। बिल्कुल, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय।